तो अब देखो आप समझते हैं दो टर्म आती है आपके वोल्टेज बिल्डअप में एक आप करते हो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस एक आती है क्रिटिकल स्पीड इनको समझ लेते हैं ठीक है अब देखो हमारा वोल्टेज बिल्डअप कुछ ऐसा ही होता है ठीक है यानी यहाँ पे ये हमारा आर्मेचर वोल्टेज था और यहाँ पे ये हमारा फील्ड करंट था ठीक है और ये हमारा सिंपली वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है ऐसे ठीक है अब देखो मैं क्या करता हूँ एक सिंपल कोई भी जैसे देखो अभी अभी हमने देखा जो आर्मेचर वोल्टेज होता है वो हमारा होता है ठीक है आर एफ फील्ड रेजिस्टेंस इन टू आई एफ फील्ड करंट ठीक है इसको हमने क्या किया था फिर सिंपल वाई इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर किया जहाँ से मुझे एम जो हमारा स्लोप होता है उसकी वैल्यू मिल गई आर एफ ठीक है कोई भी एक स्लोप मैंने ड्रॉ कर दिया आर एफ ठीक है ये मेरा है स्लोप है आर एफ वन लिख लेता हूँ ठीक है और जिस पॉइंट पर कट करता है वो हमारा क्या होता है ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ठीक है ना देखो तो ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है अब इस पॉइंट पे जो हमारा ई एम एफ है ठीक है ये हमारा ई एम एफ हो जाएगा ठीक है इसको मैं लिख लेता हूँ ई ए वन ठीक है और इस पॉइंट पर जो हमारा करंट है ठीक है ये मैं लिख लेता हूँ आई एफ वन यहाँ तक ठीक है आपका और यहाँ पे ये हमारा रेजिडोल फ्लक्स है ना ठीक है ना ये आपको समझना पड़ेगा तो बहुत जीरो से ये स्टार्ट नहीं होता कर हमेशा रेजिडोल फ्लक्स से स्टार्ट होता है तो यहाँ से समझो देखो अगर मैं सिंपल स्लोप की बात करता हूँ ठीक है स्लोप एम एम क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है यानी वाई या अपॉन या एक्स यही होता है यानी जो भी वाई एक्सिस पे और जो भी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो देखो अगर मैं एक्स एक्सिस को कम करता हूँ तो मेरा स्लोप बढ़ता है ठीक है और वाई एक्सिस पे को अगर मैं बढ़ाता हूँ तब भी मेरा स्लोप बढ़ता है ठीक है चीज़ तो मेरे को क्या करना है इस आर की वैल्यू को बढ़ाना है अभी ठीक है तो मैं बढ़ाने के लिए क्या करूँगा वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करूँगा इसको ठीक है यानी जो लाइन है तो मैं वाई एक्सिस की तरफ ऐसे शिफ्ट करूँगा ऊपर की तरफ तो उससे मेरा क्या होगा आर की वैल्यू बढ़ जाएगी ठीक है तो मैं शिफ्ट करता हूँ देखो ये मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर ठीक है तो इस केस में क्या हो देखो ये पॉइंट आ गया ऑपरेटिंग पॉइंट ठीक है और ये हमारा रिस्टेंस क्या हो गया आर एफ टू ठीक है यहाँ तक अब इस केस पे जो वोल्टेज हमारा देखो ये वोल्टेज यहाँ पे होगा ठीक है यानी ई ए टू ठीक है और इस केस में जो करंट हमारा करंट हमारा ये हो जाएगा ठीक थी? तो है आई एफ टू ठीक है चीज तो यहाँ पे ये हमारा आर एफ टू ज़्यादा है कंपेयर टू आर एफ वन ठीक है चीज और अगर यहाँ पे एक चीज़ आपको डाउट हो सकती है कि अगर मैं सिंपल फॉर्मूले से लिखता हूँ आर एफ ठीक है तो ये आपका आता है आर्मेचर वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड करंट ठीक है तो हिसाब से अगर मेरे को आर एफ को बढ़ाना है तो मेरा आर्मेचर वोल्टेज बढ़ना चाहिए ठीक है बट यहाँ पे हमारा देखो आर्मेचर वोल्टेज कम हो रहा है आर एफ टू पर हमारा आर्मेचर वोल्टेज ओ ई ए टू है जो कि कम है ई ए वन से ये आपको डाउट हो सकता है तो ज़रा समझो देखो अगर हमारा फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ेगा ठीक है फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है फील्ड करंट कम होगा ठीक है अगर फील्ड करंट कम होगा तो फील्ड फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो भी कम होगा फील्ड फ्लक्स कम होगा तो आर्मेचर में वोल्टेज भी हमारा कम इंड्यूस होगा ठीक है तो सिंपल यहाँ पे समझ सकते हो कि आर एफ को बढ़ाया हमने तो आर्मेचर वोल्टेज थोड़ा सा कम हुआ ठीक है और फील्ड करंट भी हमारा कम हो रहा है ठीक है ये हमने बना दिया आर अब ऐसे एक और मैं रजिस्टेंस ले लेता हूँ फील्ड रजिस्टेंस जो आर से भी ज़्यादा हो ठीक है ये मेरा हो गया एक और रजिस्टेंस जो आर से ज़्यादा है इसको तो लिख लेता तो हूँ आर ठीक है और ये कट कहाँ पर रहा है इस पॉइंट पर यह कट कर रहा है ठीक है तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ये हो गया और इस पर जो वोल्टेज होगा इसको लिख लेते ई थ्री ठीक है और इस पॉइंट पे जो तो हमारा करंट होगा इसको लिख लेते आई एफ थ्री आई एफ थ्री यहाँ तक ठीक है अब मैं क्या करता हूँ और फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाता तो, हूँ और बढ़ा दिया अब देखो अब ये कुछ यहाँ पे काट रहा है ठीक है ये हमारा है आर एफ फोर ठीक है तो देखो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना ठीक है वो हमारा ई एम एफ इंड्यूज़ हो रहा है रिसीशन जनरेटर में तो देखो पहला जब ये वाला पॉइंट देखते हो तो इसमें हमारा वोल्टेज कितना इंड्यूस हो रहा है ई वन ठीक है यानी वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है अब आर एफ टू पे देखते तब भी हमारा वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है ई ए टू ठीक है आर एफ थ्री पे देखते भी हमारा वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है ई ए थ्री बट इस पॉइंट पे देखो इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज बिल्डअप कितना हो रहा है जितना हमारा रेजिडुअल ई है ना उतना ही हो रहा है तो ये वोल्टेज बिल्डअप थोड़ी हुआ कोई तो मतलब ही नहीं निकला बिकॉज कितना वोल्टेज बिल्डअप कर रहा है जितना हमारा रेजिडुअल फ्लक्स बिल्डअप कर रहा था उतना का वोटा वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता ठीक है यानी कि यहाँ से एक चीज़ क्या पता चली कि तीन आपके पास रजिस्ट्रेंस है यहाँ पे ठीक है देखो तीन रजिस्ट्रेंस है आर एफ जो कि सबसे बड़ा है ठीक है उसके बाद आपका है आर एफ ठीक है देन वो है आपके पास आर एफ टू आपके पास लास्ट है आर एफ तो यहाँ से अगर सिंपल इस कर्व में ध्यान से देखते हो आपको क्या पता चला कि आपका जो आर एफ थ्री रजिस्टेंस है ठीक है आर एफ थ्री जो आपका रजिस्टेंस है ये वाला इसमें देखो जब भी इससे वैल्यू ज़्यादा है आपके फील्ड रजिस्टेंस की तब आपका वोल्टेज बिल्डअप कितना हो रहा है बहुत कम हो रहा है ठीक है नहीं वोल्टेज बिल्डअ हो ही नहीं रहा है ऐसा बोल सकते हो ठीक है बट इससे कम वैल्यू है तब हमारा वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं कि जो आर एफ थ्री है ना ये हमारा एक तरह से डिसाइडिंग रजिस्टेंस हो गया तो आर एफ थ्री हमारा हो गया डिसाइडिंग रजिस्टेंस हो गया ठीक है बिकॉज ये ही हमारा डिसाइड करेगा कि वेदर आपका वोल्टेज बिल्डअप होगा कि नहीं होगा ठीक है यानी देखो सिंपल समझ सकते हो पे देखो जिस जब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे कम है तब आपका वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है बट इससे जैसे ज्यादा होती है तब आपका वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा तो यार सिंपल में कंडीशन क्या मिल गई कि जो हमारा फील्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमेशा ही क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ये क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस हो गया ना ठीक है तो ये आपका हो गया क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ठीक है इससे हमेशा कम होगी तभी आपका वोल्टेज बिल्डअप होगा ठीक है तो एक तरह से ये हमारी कंडीशन हो गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये हमारी होगी क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की कंडीशन ठीक है पहली कंडीशन आपकी होती है देखो इनिशियल में पहले आपका रेजुडल फ्लक्स होना चाहिए ठीक है और वो भी आपका सपोर्टिंग नेचर का होना चाहिए यानी फील्ड फ्लक्स उसका अपोज नहीं करना चाहिए ठीक है और आपका दूसरा हो गया फील्ड रेजिस्टेंस अब तीसरा आपका पढ़ते क्रिटिकल स्पीड देखते हैं ठीक है अब देखो जैसे ये हमारा सिंपल ठीक है आपका आर्मी वोल्टेज ई ए, ए और आपका फील्ड करंट के बीच में हम ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है थीके? अब देखो मैं क्या करता हूँ इस केस में जैसे लास्ट केस था ना उसमें हमारी स्पीड कॉन्स्टेंट थी ठीक है एक ही स्पीड लेके चल रहे थे बट इस केस में क्या कर रहे हैं हम फील्ड रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं कॉन्स्टेंट कर देते हैं ठीक है जैसे लास्ट केस में हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू लेके चेक कर रहे थे बट हमने अब क्या कर दिया आर की वैल्यू फिक्स कर दिया यानी इसको हम चेंज ही नहीं कर रहे ठीक है तो ये हमारा मान लेते हैं आर फिक्स हो गया फील्ड रेजिस्टेंस ठीक है और हमारी जो स्पीड है स्पीड को हम चेंज कर रहे हैं ठीक है ये हमारी क्या है वेरिएबल है तो देखो स्पीड वेरिएबल होगी तो इससे क्या समझते हो देखो अगर आपका जो ई एम एफ होता है ठीक है जो आर्मेचर में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है ठीक है ये आपका प्रोपोर्शनल होता है एन फाइव से ठीक है यानी अगर देखो आप स्पीड को चेंज करते हो तो ई एम एफ भी आपका क्या होता है चेंज होता है ठीक है या फिर अगर स्पीड को बढ़ाते हैं तो ऐसे बोल सकते हो सिंपल आर्मेचर वोल्टेज इंक्रीज होता है ठीक है तो देखो सिंपल अगर मैं ड्रा करूँ तो ये मान लेते हैं हमारा रेजिडुल्लक्स ई ए आर ठीक है रेजिडुअल फ्लक्स पहले से होता है तो देखो ये जब आप प्लॉट करते हो तो कुछ ऐसा आपका ये ड्रा होता है ठीक है कुछ ऐसा ही आपका ड्रा हो जाएगा ठीक है इस केस में जो वोल्टेज है ठीक है ये हमारा क्या हो गया वोल्टेज हो गया ना एक ठीक है तो ये आपका हो गया जैसे ई रेटेड ठीक है और ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट ठीक है अब इस केस में मान लो हमारी स्पीड थी एन वन ठीक है मशीन की स्पीड थी एन वन अब मैं क्या करता हूँ स्पीड को रिड्यूस करता हूँ ठीक है तो देखो अगर स्पीड को मैं रिड्यूस करूँगा यानी अगर स्पीड को कम करता हूँ तो मेरा क्या होगा आर्मेचर वोल्टेज कम होगा ठीक है तो आर्मेचर वोल्टेज कम करूँगा तो देखो कैसे होगा कम अगर मैं ऐसे सिंपल प्लॉट करता हूँ कुछ ऐसा यह बन जाएगा ठीक है अब इस केस में देखो ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया और इस पॉइंट में हमारा वोल्टेज देखो कितना है ये कुछ यहाँ पे वोल्टेज होगा ठीक है तो ये ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये जो भी वोल्टेज होगा वो हमारा देखो ऊपर वाले से तो कम है ना ठीक है यानी जैसे आपने स्पीड को रिड्यूस किया ठीक है स्पीड जैसे ही रिड्यूस हुई हमारा आर्मेचर वोल्टेज भी रिड्यूस हो गया ठीक है अब ये चलो उठो हो गया अब देखो एक और लेते स्पीड ठीक है बिकॉज हम स्पीड को वेरिएबल लेके चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे चेक कर रहे हैं देखो थर्ड स्पीड हमारी ये होगी जैसे ठीक है ये जैसे आप ये ये स्पीड ले लो ठीक है एकदम इस लाइन के ऊपर ही ठीक है कुछ ऐसी ही आपकी हो गई एन थ्री ठीक है और इस केस में हमारा ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा ठीक है बिकॉज आपने देखो स्पीड को और रिड्यूस किया तो उस वजह से हमारा आर्मेचर में वोल्टेज और रिड्यूस हो गया ठीक है अब देखो इसके बाद क्या हो गया स्पीड इस इससे भी कम रिड्यूस करते ठीक है देखो इससे भी कम रिड्यूस तो ऐसी होगी ठीक है ये हो जाएगी आपके इससे भी कम एन फोर ठीक है तो यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे कट कर रहा है ठीक है तो आर्मेचर में वोल्टेज कितना ये इतना सा होगा ठीक है तो जरा समझिए देखो यहाँ पे हमारा जो स्पीड का रिलेशन है ठीक है एन वन हमारी सबसे ज़्यादा स्पीड है ठीक है उसके बाद हमारी एन टू है उसके बाद हमारी है एन थ्री उसके बाद हमारी है एन फोर ठीक है तो अगर आप ध्यान से समझते हो देखो सब में देखो ठीक है जब एन वन पे था तब आपका देखो वोल्टेज बिल्डअप यहाँ पे हो रहा था कोई दिक्कत नहीं वोटेज बिल्डअप हो रहा है ना ठीक है वोल्टेज बढ़ रहा है एन टू पर भी देखो आपका वोल्टेज बिल्डअप हो रहा था ठीक है नहीं वोल्टेज कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एन थ्री में देखा तब भी हमारा वोल्टेज बढ़ता जा रहा है बट एन फोर में देखो यहाँ पे कट कर रहा है टिट ठीक है यानी इतना सा वोटेज बिल्डप हो रहा है यानी जितना आपका रेजुडल फ्लक्स है ना ठीक है रेजुअल फ्लक्स जितना आपका ई एम एफ इंड्यूस कर रहा है आर्मेचर में उतना ही आपका वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है तो पूरा आपका वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस थोड़ी हो रहा है इस पर तो हम बोल सकते हैं कि एन फोर जब स्पीड होगी तब आपका वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा डिसीशन जनरेटर में ठीक है तो इन तीनों स्पीड में ऐसी कौन सी स्पीड है जो आपका डिसाइड कर रही है कि आपका वोल्टेज बिल्डअप होगा कि नहीं होगा तो ध्यान से देखो जो एन थ्री है अगर एन थ्री से आपकी स्पीड ठीक है एन थ्री से अगर ज्यादा है ठीक है यानी ऊपर की तरफ एन थ्री से अगर ज्यादा स्पीड है तो आपका देखो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है एन एन वन में भी हो रहा है और एन टू में भी हो रहा है बट आपकी स्पीड अगर एन थ्री से कम है तो आपका वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो एन थ्री है ठीक है ये हमारी क्या हो गई डिसाइडिंग स्पीड बेसिकली ये हमारा डिसाइड कर रहा है कि वेदर आपका वोल्टेज बिल्डअप होगा कि नहीं होगा ठीक है तो सिंस ये हमारी डिसाइडिंग स्पीड है तो इसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं तो इसको बोलेंगे एन सी तो यहाँ से क्या केस मिला हमें ठीक है कि आपकी जो स्पीड होगी मशीन की ठीक है डिसीशन जनरेटर की जो स्पीड होगी वो आपकी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड होनी चाहिए ठीक है देख सकते हो जब भी एन से ज्यादा है तब भी आपका वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है तो एक कंडीशन ये मिल गई ठीक है तो टोटल तो आपकी तीन कंडीशन है अगर आपको डिसी शन जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप करवाना है ठीक है पहली रेजुडल फ्लक्स और जो आपका ई प्रोड्यूस होगा शंट वाइंडिंग में वो आपके सपोर्टिंग नेचर के होने चाहिए दूसरी आपकी कंडीशन हो गई फील्ड रेजिस्टेंस आपका लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस होना चाहिए और थर्ड आपकी कंडीशन हो गई कि आपकी जो स्पीड है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड होनी चाहिए ठीक है इन पर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं सो so, ये आपको पता रखना है क्लियर है